दोस्तों, प्रेमियों की मिसाल कायम करने वाली मशहूर अभिनेत्री प्रिया राजवंश फिल्म जगत की उन अभिनेत्रियों में से एक थी जिनके सिर्फ और सिर्फ एक फोटो ने उनकी जिंदगी एक पल में पलट दी थी और इसीलिए उन्हें साल 1970 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म हीर रांझा में हीर का जबरदस्त किरदार निभाने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने एक प्रेमिका की भूमिका बेहद खूबसूरती से निभाई थी, जिसके चलते इनके द्वारा निभाए गए इस यादगार किरदार को दर्शक आज भी बखूबी याद रखते हैं और इसी के चलते अभिनेत्री प्रिया राजवंश का नाम फिल्मी जगत में इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया, जो फिल्मों के साथ साथ इनकी निजी लाइफ की प्रेम कहानी के लिए भी खूब चर्चित रही। लेकिन अपने दौर में सफलता के सातवें आसमान को हासिल करने वाली इस एक्ट्रेस ने भले ही अपने प्यार के साथ कई यादगार लम्हे बिताए हों, लेकिन इनका आखिरी समय बेहद दर्दनाक रहा, जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। तो इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको प्रिया राजवंश की इसी दर्द भरी कहानी से रूबरू कराने वाले हैं, जिसे जानकर आपकी आंखें भी जरूर नम हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शिमला के फिल्मी घर परिवार में दिसंबर 1936 को जन्मी अभिनेत्री प्रिया राजवंश की पूरी पढ़ाई भी शिमला में ही हुई थी। हालांकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इनकी किस्मत इन्हें एक्टिंग की दुनिया में लाकर खड़ा कर देगी। जी हां, जब एक फोटोग्राफर द्वारा प्रिया राजवंश की क्लिक की गई फोटो फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंची, तो फेमस फिल्म डायरेक्टर चेतन आनंद ने साल 1964 में प्रिया राजवंश को अपनी फिल्म हकीकत में काम करने का गोल्डन चांस दिया। इस फिल्म में प्रिया राजवंश ने मुख्य भूमिका अदा की, जिसे दर्शकों द्वारा काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और यही रीजन था कि प्रिया राजवंश को और भी कई हिंदी फिल्मों में काम करने के ऑफर मिले, जिनमें हीर रांझा, हंसते जख्म और हिंदुस्तान की कसम जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। अपने एक्टिंग करियर में लगभग दो दशक तक फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े रहने के बाद इन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरियां बना ली थी और ये आखिरी बार साल 1986 में आई फिल्म साहिब बहादुर में अभिनय करती हुई दिखाई दी। हालांकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चेतन आनंद की फिल्म हकीकत में काम करने के दौरान प्रिया राजवंश और चेतन आनंद एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। हालांकि वो बात अलग थी कि चेतन आनंद पहले से ही रिपोर्टर उमा आनंद के साथ शादी के बंधन में बंध चुके थे और इस शादी से चेतन आनंद के दो बेटे केतन और विवेक आनंद भी थे। लेकिन वो वक्त ऐसा था जब चेतन आनंद अपनी पहली पत्नी से तलाक लिए बिना अलग रह रहे थे और इसी दौरान प्रिया राजवंश और चेतन आनंद ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया। प्रिया राजवंश ने अपने दौर में चेतन आनंद के साथ कई यादगार लम्हे बिताए, जिससे उन्हें काफी ज्यादा खुशी हुई थी। लेकिन इस रिश्ते से उन्हें जितनी खुशियाँ मिली, उन्हें उससे दोगुनी मुसीबत का सामना करना पड़ा। प्रिया राजवंश अपने दौर के आखिरी दिनों में काफी ज्यादा मुश्किल समय से गुजर रही थी। दरअसल चेतन आनंद साल 1997 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो चेतन आनंद की प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा प्रिया राजवंश के नाम भी किया गया था। लेकिन चेतन आनंद की मौत के लगभग तीन साल बाद ही चेतन के जूही स्थित बंगले में प्रिया राजवंश की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक प्रिया को मौत के घाट उतार दिया गया था। वो बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। साल 2000 में प्रिया राजवंश ने अपना शरीर त्याग दिया। फिलहाल प्रिया की मौत का इल्जाम चेतन आनंद के सौतेले बेटों केतन आनंद और विवेक आनंद के साथ उनके दो कर्मचारी माला चौधरी और अशोक पर लगाया गया था। बताया जाता है कि प्रिया राजवंश को सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए मारा गया था, जिसके चलते डायरेक्टर चेतन आनंद को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने वाली अभिनेत्री प्रिया ने अपने लास्ट मोमेंट में तड़प तड़प कर इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे अभिनेत्री प्रिया राजवंश की दर्दनाक मौत के बारे में? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।